अगर नागिन सीरियल पॉपुलर है तो उससे भी ज्यादा पॉपुलर है इस शो की एक्ट्रेस। इससे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने शो में पॉजिटिव रोल प्ले किए या फिर नेगेटिव। और ऐसी ही एक एक्ट्रेस रही हैं आशिका गुराड़िया, जिन्होंने नागिन के पहले और दूसरे सीजन में माहिष्मती की मधुमक्खी रानी अवंतिका का नेगेटिव रोल निभाया। इस नेगेटिव रोल को इन्होंने इस कदर पेश किया कि दर्शक आज भी इन्हें भूल नहीं पाए, जिसका नतीजा ये निकला कि नागिन सीरियल में नेगेटिव रोल प्ले करके भी ये घरेलू नाम बन गयी। लेकिन दोस्तों, आप नागिन सीरियल की इस मशहूर अदाकारा के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ पति के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके पति के बारे में तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, साथ ही इनके लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नागिन सीरियल में अवंतिका का नेगेटिव किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री आशिका गुराड़िया का जन्म 27 नवंबर 1985 को मुंबई में हुआ, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं से पूरी हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने साल 2002 में अचानक 37 साल बाद सीरियल के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने भाभी, कयामत, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और लागी तुझसे लगन जैसे कई सीरियल्स में काम किया। वहीं आखिरी बार इन्हें साल 2019 में डायन सीरियल के अंदर देखा गया, जिसके बाद इन्होंने किसी और सीरियल में काम नहीं किया। साथ ही अब इन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया है। लेकिन अगर बात की जाए इनके रियल लाइफ हस्बैंड की तो इनके हस्बैंड का नाम है ब्रेंट गोबले, जो कि पेशे से बिजनेसमैन है, साथ ही एक योगा टीचर भी है। उन्हें अपने काम से ज्यादा योगा पसंद है, जिसे करते हुए अपना सारा दिन बिता देते हैं। और इसी योगा ने इनके और आशिका के दिलों के तार को जोड़ा था, क्योंकि उन्हीं की तरह ये भी एक योगा लवर है। अगर बात करें दोनों की लव स्टोरी की तो उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई साल 2015 में लास वेगास में, जहाँ ये दोनों एक योगा इवेंट के लिए गए थे। उसी योगा इवेंट पर टीचर थे ब्रेंट। उसी इवेंट में ये योगा के प्रति उनके दिल में इतना सारा प्यार देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठी, जिसके बाद इन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने एक दूसरे के बारे में जाना। इस तरह एक हफ्ते के इवेंट के अंदर दोनों को अपना प्यार मिला, जिसके बाद इवेंट के एंड में दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। दोनों का प्यार वाकई सच्चा था, जो एक दूसरे से इतनी दूर रहने के बाद भी बढ़ता गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब 2 साल बीत गए, इसलिए अपने इसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 3 दिसंबर 2017 को दोनों ने पहले क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की और कुछ दिनों के बाद दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। बता दें, वर्तमान में दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं, आज भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आशिका के हस्बैंड के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।